ग्रामीण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हुए तो कुछ का साल भर का राशन पानी में बह गया। विगत दिवस हुई मूसलाधार बारिश के कारण कालमुखी एवं आसपास के गांव पिपलिया मातपुर आमोदा में किसानों की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। नदी नालों में उफान के कारण आसपास रहने वाले ग्रामीणों के घर जलमग्न हो गए। मवेशी बैलगाय बकरियां नदी नालों में समा गए। उक्त परिस्थिति का जायजा लेने युवा कांग्रेस बुरहानपुर जिला सह प्रभारी यशवंत सिलावट ने पूरे क्षेत्र का सघन दौरा किया एवं अपनी ओर से पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की, साथ ही पटवारी एवं अधिकारियों को सर्वे करने के लिए सूचित किया। अतिवर्षा से प्रभावित ग्रामीणों का इतना अधिक नुकसान होने पर भी जिले का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में कांग्रेस नेता यशवंत सिलावट ने नाराजगी जाहिर की, जिन्होंने कहा कि विपदा के समय भाजपा सरकार और उनके नुमाइंदों को पीड़ितों के हाल जानकर उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिम्मेदारों को फुर्सत नहीं है। गरीबों की मदद हेतु प्रशासन ने कोई पहल नहीं की तो वे गरीबों के पक्ष में धरना प्रदर्शन करने से नहीं चूकेंगे। तो जो सो की वो पानी को गयो नहीं तो बोरी खाई खाई नहीं उतरो रही वो अंदर की दवाई तो तारो न बोरो न सब तो कदे बदड़ान गाबा न सब पई नहीं रहया। इत से टंगायल था ते हेड़ी हेड़ी लाया नी बैठ न बिचारी न कई की लुगड़ा दई गई तो कई की बागरी दई गई तो आशा करी करी न मारा सारी तो हो रही बस एक बस थोड़ा का शरीफ भी कपड़ा रही नहीं तरू कहीं नहीं मोबाइल भी डोर न तो छोड़ न गए तो यहाँ कोठी बदल दिए तो मोबाइल वो पर्स भी न सब गयो भाई कहीं नहीं रही। बड़ी बात है कि जरूर जान के आनी नहीं जेनी ताल का बटिया भाई वो निताल का गांव वाला आवत बेचारा देखत काई करे काई करे की वो उस पार थे सब लोग काई करे कोटी काड़म बटीरा पूरा बिन जायल था साकासा कुड़गुट वाला इन बटीरा यात काई फण भी लगा कपड़ा गीला गर्म होय त अपन कदला चाय बनाई लेवा तो घर में शक्कर नी पत्ती नी कले काई करून काई बना हम लोग है प्रशासन से भी बोल रहे हैं आपने जितनी मदद भी हमने करी है और भी आपको और मदद करेंगे हम लोग। आप निश्चिंत रहो आप तो रहने का कौन सा मामला सुधार लो फिर देखते हैं क्या क्या स्थिति बन रही है। नहीं तो भाई मैं कहता हूँ शोरम की बहन समझिन मारो घर कतई बनाए दीजिए हम लोग का बन गया पटवारी आ रही है अब लोग बोलते आएंगे बराबर करेंगे बताइए कि उनके घर में उनके घर के जेवर रखे थे और पैसे रखे थे 50-55 हज़ार रुपए वो भी पेटी में बह गए तो नगद भी नुकसान हुआ है जान माल का तो भगवान करे ना हो ना हुआ लेकिन उनके मवेशी भी मरे आर्थिक नुकसान भी ज्यादा हुआ है। उनके बोए हुए खेत भी पूरे डूब गए हैं पानी में और जो साल भर के खाने का अनाज इकट्ठा करा था वो भी डूब गया है और घर में से इतना ट्राली भर के कीचड़ निकला है ये स्थिति प्रशासन के कोई भी अधिकारी नहीं आया है अभी तक कि इनकी आर्थिक मदद कर सके। ये भूखे प्यासे बैठे हुए हैं ये स्थितियाँ बनी हुई है। अब सर्वे भी जो देखो क्या हिसाब से करते हैं पटवारी शायद आए थे और आके चले गए खाना पूर्ति करिए प्रॉपर तरीके से ना तो आरआई आए हैं ना एसडीएम आए हैं और ना कलेक्टर साहब आए। हमारा निवेदन ये है प्रशासन से कि प्रॉपर तरीके से बड़े अधिकारियों को यहाँ आना चाहिए और जितना भी लोगों का नुकसान हुआ है पूरे नुकसान का मुआवजा इनको मिलना चाहिए और आर्थिक मदद भी इनको मिलना चाहिए जो भी चीज़ें हुई इनके साथ में। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि तत्काल प्रभाव से इन लोगों की सहायता की जाए सब प्रकार से। अरे दूर माँ बेटा बच्ची बच्ची का रात भर रहे हो हाँ रात भर छत पर रही यार। अच्छा तो पानी पड़ा तो कहाँ जाए बेचारा भागी नहीं यार सही नुकसान है। अरे मुगो का ढोर भी मरी गान बकरो भी कम पर 20 किलो का भी वही गई। अरे एकदम से पानी आया तो बच्ची गए पानी एकदम से आया होगा नहीं। हाँ एकदम से पानी आया ये सुबह सुबह आया ये जी जी आपके लिए राशन लाए हम लोग पानी अभी आपका 2-4 दिन इसे काम चल जाएगा। एक पीड़ितों के हाल जानने एवं उनकी सहायता करने के साथ कांग्रेस नेता यशवंत सिलावट ने क्षेत्र में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भी भरवाए। इस दौरान यशवंत सिलावट के साथ कालमुखी मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल सेक्टर अध्यक्ष प्रदीप चौहान किशन परमार सावन गुर्जर ओम नरवारे रमेश सोलंकी मिथुल मुजालदे भी उपस्थित रहे।